हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एसएस यूनिट 2 जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ। ओपन पेज नंबर 7 इन योर एसएस टेक्स्ट बुक। ये यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है स्टोन एज का, जिसमें ह्यूमन हैबिटेशन इंडिया के अंदर कहाँ पर है वो दिखाए गए हैं। तो ये आप देखो, आपको ये जो इंडेक्स दिया गया है इसके हिसाब से आपको रीडिंग करनी है। ओके, जैसे ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको ये मैप को रीड करना है। नाउ सी, आपको ये जो मैप है उसको ध्यान से देखना है, जो कि मैप के अंदर मार्क किए गए हैं वो प्लेसेस आपको देखने हैं। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क इन द मैप। You will find that many places of India the primitive man might have lived. तो आपने बहुत सारे ऐसे places find किए हैं हमने इंडिया के अंदर जहाँ पर primitive man रह रहे होंगे। Few places are shown, इसमें से थोड़े से places ही map के अंदर दिखाए गए हैं। But there are evidence of their habitat in many places in India. और इसके अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जहाँ पर प्रिमिटिव मैन इंडिया के अंदर रहते थे। वो कहाँ पर रहना प्रेफर करते थे, जहाँ पर क्या होता था, वुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वुड एंड वाटर वहाँ पर मिलता था, वहाँ पर रहना वो पसंद करते थे जहाँ पर स्टोन्स वुड एंड वाटर अवेलेबल होता था। दे लिव्ड इन, वो ज़्यादातर किस में रहते थे, नेचुरल केव्स में रहते थे, अपने आप को टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए, रेन और वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए वो नेचुरल केव्स में, केव्स मीन्स जानते हो ना, गुफा में वो रहते थे। सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन्स में, ऐसे प्लेसेस जो सेंट्रल इंडिया में वहाँ पर आपको देखने को, विंध्या माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि प्रिमिटिव मैन रहते थे। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के आसपास का जो इलाका था वहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल है भीम बेट का इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन फाउंड, विच वॉज एन, यो सबसे एक्सलेंट प्लेस है ह्यूमन हैबिटेशन का। और इन केव्स के अंदर हमें अबाउट लगभग 500 इमेजेस बर्ड्स के, डियर के, वुडन के, स्पीयर के, ट्रीज, ह्यूमन एक्सेट्रा देखने को मिले हैं, जो प्रिमिटिव मैन ने ड्रॉ किए हैं केव्स की दीवारों के ऊपर। और ये उसने किसकी हेल्प से ड्रॉ किए हैं, नेचुरल कलर्स का यूज़ इनमें किया है, नेचुरल कलर्स से, विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर की हेल्प से ये उन्होंने इमेजेस ड्रॉ किए हैं। तो आपको होमवर्क में ये रीड करना है पेज नंबर 7, और ये जो मैप है इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।